हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। तो वर्सेटाइल मीन्स यूनिवर्सल, हर जगह पर, एवरीवेयर। तो वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन क्यों है? जनरली आप देखते हैं कि जो कार्बन होता है, इट फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड्स बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विथ वेरियस एलिमेंट और विद द अदर एटम ऑफ कार्बन, या कार्बन के साथ ही शेयरिंग करता है या फिर दूसरे एलिमेंट के साथ भी शेयरिंग करके ये कोवेलेंट कंपाउंड या कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन के द्वारा कोवेलेंट कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। अब यदि हम अपने को ही देखें, जैसे हम भी किसके बने हुए हैं, वो भी हमारे कार्बन कंपाउंड्स के, हम भी बने हुए हैं कार्बन से ही। हमारे अंदर विटामिन्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स या जो भी एंजाइम्स, न्यूक्लिक एसिड मीन्स आरएनए डीएनए जो भी पाया जाता है, वो लगभग सभी कार्बन के ही कंपाउंड्स होते हैं। अब यदि आप देखें तो लगभग ये कार्बन के कंपाउंड्स की संख्या सो मैनी इन नंबर, मतलब बहुत ज़्यादा होती है। ये हजारों में नहीं, कई लाख में, मतलब लगभग ये एस्टिमेट किया गया है कि 3 मिलियन के ऊपर कार्बन के कंपाउंड्स की संख्या होती है। लगभग 1000 कंपाउंड तो लगभग हर साल नए यहाँ पर इसमें रिसर्च किए जाते हैं, नए कार्बन के कंपाउंड्स बनाए जाते हैं, क्योंकि कुछ तो नेचुरली ही जैसे पाए जाते हैं और लगातार इनको लेबोरेटरी में हर साल नए नए कंपाउंड्स आर्टिफिशियली प्रिपेयर किए जाते हैं। क्योंकि जितना भी मेडिसिनल फील्ड है, ड्रग्स है, वो सभी कार्बन कंपाउंड्स का बना हुआ है। पॉलीमर्स देखें आप, जितने सिंथेटिक पॉलीमर प्लास्टिक हैं, वो भी मोस्टली कार्बन कंपाउंड्स के बने हुए हैं। तो हर जगह पर कार्बन है, एवरीवेयर कार्बन इज प्रेजेंट, जैसे लिविंग में है, नॉन लिविंग, हर जगह पर कार्बन पाया जाता है। तो ये मतलब ऐसा क्यों है? इसका मतलब है कि कार्बन में जो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, ये कोवेलेंट बॉन्ड तो और दूसरे में भी बनता है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, फॉस्फोरस है, वे भी कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, लेकिन उनके कंपाउंड्स की संख्या इतनी ज़्यादा नहीं है। तो इसके लिए ये ऑब्जर्व किया गया है कि कार्बन हैज यूनिक प्रॉपर्टीज, इसमें कुछ यूनिक प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं जिसके द्वारा इट कैन फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स, इसके संख्या मतलब बहुत ज़्यादा है। तो कभी कभी क्वेश्चन में आता है कि व्हाट इज द वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, या कभी ऐसा भी आता है कि व्हाई कार्बन फॉर्म सो मैनी कंपाउंड्स, क्यों मतलब बहुत ज्यादा कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करता है। तो इट इज ड्यू टू द, एक तो है फर्स्ट इसका जो फैक्टर है, प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन, कैटिनेशन प्रॉपर्टी के कारण कार्बन हैज द यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड विथ अदर एटम ऑफ कार्बन टू फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स इन द मैनर ऑफ लीनियर मैनर, ब्रांच्ड चेन मैनर और रिंग के रूप में, किसी भी फॉर्म में ये कंपाउंड्स को बना सकते हैं। कैटिनेशन तो यूनिक प्रॉपर्टी है, मीन्स इट इज द सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज कैटिनेशन। अब कैटिनेशन देखा जाए तो स्मॉल अमाउंट में, तो स्मॉल एक्सटेंट तक नाइट्रोजन में भी होता है, ऑक्सीजन में भी होता है, फॉस्फोरस भी है, सल्फर में भी है, लेकिन इनमें तो एक लिमिटेड एक्सटेंट तक ही होती है। कार्बन जो है इसमें तो बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ एटम्स, लार्ज नंबर ऑफ एटम्स कंबाइंड टू फॉर्म ए कंपाउंड, और जैसे 60 भी हो सकते हैं, 70 कार्बन एटम्स भी हो सकते हैं, 80, 100 ऐसे भी हो सकते हैं। तो कार्बन हैज द यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड विद अदर एटम्स ऑफ कार्बन टू फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एंड दिस यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन इज नोन एज कैटिनेशन। तो शायद इसी प्रॉपर्टी के कारण कार्बन के कंपाउंड्स की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। एंड दिस कंपाउंड्स में है लॉन्ग चेन मीन्स लीनियर चेन, ब्रांच्ड चेन और इवन इन द रिंग, ये रिंग में भी कंबाइन हो सकते हैं, ब्रांच चेन के रूप में कंबाइन हो सकते हैं, लीनियर चेन के रूप में। जैसे ये सिंगल एक लाइन में है तो ये लॉन्ग चेन या लीनियर चेन कहलाएगी, एक मेन चेन साइड में स्मॉल स्मॉल चेन जुड़ी हुई है तो ये ब्रांच चेन, और इस तरह से ये है एक रिंग में जुड़े हुए हैं
चारों तरफ मतलब सूर्य के रिंग बना लिया हुआ है, तब ये रिंग शेप जो है कंपाउंड्स कहलाएंगे। कार्बन एटम्स मे बी लिंक्ड बाय सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है, डबल बॉन्ड भी हो सकता है और ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में भी सिंगल बॉन्ड है, दे आर कॉल्ड सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स। यदि हाइड्रो हम सर कार्बन लेते हैं तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, या कोई भी दूसरे यदि हमने एलिमेंट के साथ लिया हुआ है तो सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। और जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड आते हैं, दे आर कॉल्ड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो सैचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन है, सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड है, दे डू नॉट शो एडिशन रिएक्शन, ये एडिशन रिएक्शन को शो नहीं करते हैं, जबकि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या कार्बन कंपाउंड एडिशन रिएक्शन को प्रेफर करते हैं। सैचुरेटेड में सब्स्टिट्यूशन ज़्यादा प्रेफर होता है, जबकि अनसैचुरेटेड में सब्स्टिट्यूशन भी होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा उसमें पहले वो एडिशन को विशेष प्रेफर करता है। तो एक तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है, कैटिनेशन के कारण इसके कंपाउंड की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। और दूसरा जो फैक्टर है वो है टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन। टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन इसका मतलब है कार्बन हैज फोर वैलेंसी, इसमें फोर वैलेंसी होती है। कार्बन हैज ए वैलेंसी ऑफ फोर। तो फोर वैलेंसी होने के कारण क्यों है वैलेंसी फोर? कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2-4। तो इसके आउटर मोस्ट सेल में, जैसे ये इनर सेल है K, आउटर मोस्ट सेल है L। आउटर मोस्ट सेल हैज 4 इलेक्ट्रॉन्स, देयरफॉर इट रिक्वायर्स 4 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। अब ये या तो यह करे कार्बन की, या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे अपना ऑक्टेट कंप्लीट या स्टेबल होने के लिए। ऑक्टेट क्यों कंप्लीट करते हैं? टू गेट द स्टेबिलिटी। तो या तो 4 इलेक्ट्रॉन लूज करें या फिर ये 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करके 8 बना लें। तो दोनों यहां पर जो है पॉसिबिलिटी यहां कम पाई जाती है दोनों की, क्योंकि ना तो कोई इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन को लूज कर पाता है, क्योंकि हम इतना एनर्जी उसको दे पाना मुश्किल होगा, और ना ही 4 इलेक्ट्रॉन को ये गेन कर पाते हैं, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करने से इसमें जो स्पेस होता है वह कम पड़ जाता है और वो कंपाउंड अनस्टेबल हो जाते हैं। तो ये 4 वैलेंसी होने के कारण इट शेयर द इलेक्ट्रॉन विथ अदर कार्बन एटम्स और विथ अदर एलिमेंट्स। तो ये ना तो मतलब इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं और ना ही इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं फिर कंपाउंड बनाने के लिए शेयरिंग का काम करते हैं। तो शेयरिंग जैसे यहाँ पर मान लीजिए हाइड्रोजन से शेयरिंग कर गया तो ये किसका फॉर्मेशन हो गया? मीथेन का। कार्बन कार्बन के साथ भी बना सकता है, हाइड्रोजन क्लोरीन, ये हाइड्रोजन ये फ्लोरीन, इस तरह से भी कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कर सकता है। कार्बन जैसे ऑक्सीजन HCHO ये बन गया फॉर्मेल्डिहाइड। तो ऐसे ये हर एक तरीके से कंपाउंड का फॉर्मेशन ऑक्सीजन के साथ, हाइड्रोजन के साथ, क्लोरीन फ्लोरीन, दूसरे अदर एटम्स जो एलिमेंट हैं उनके साथ रिएक्शन करके स्टेबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। एंड जो दिस कंपाउंड्स हैं दे हैव स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज विच डिपेंड ऑन द एलिमेंट अदर देन कार्बन प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। जिन कार्बन के अलावा जो दूसरे एलिमेंट के साथ ये जुड़े हुए हैं उन पर इनकी प्रॉपर्टीज डिपेंड होती हैं। तो ये कार्बन जो है सभी के साथ शेयरिंग करके, कोवेलेंट बॉन्ड के द्वारा शेयरिंग करके कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं। और ये बॉन्ड काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं, दीज आर द स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, मतलब द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय कार्बन इज वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। क्यों? ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ कार्बन एटम। कार्बन एटम स्मॉल साइज के होते हैं और जितना स्मॉल साइज के एटम्स होंगे उतना ही वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का फॉर्मेशन भी करते हैं। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होने से जो कंपाउंड्स होते हैं दे आर स्टेबल, एक्सेप्शनली सम आर अनस्टेबल,
कुछ अनस्टेबल हो सकते हैं, बाकी अधिकतर कार्बन के कंपाउंड्स स्टेबल होते हैं। तो ये टू फैक्टर मेन है, एक कैटिनेशन और दूसरा टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन, जिसके द्वारा कार्बन अधिक से अधिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करता है। तो यदि कभी क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, तब भी आप यही आंसर लिखेंगे दोनों प्रॉपर्टी के बारे में। यदि कभी आता है कि वाई कार्बन कंपाउंड सो मैनी कंपाउंड्स या वाई कार्बन फॉर्म सो मैनी कंपाउंड्स, तब भी आपको सेम आंसर ही लिखना है। तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या आप देखें कार्बन कंपाउंड्स दोनों में ही मतलब सेम ही है। पहले उनको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो लिविंग थिंग से मिलते थे, बाद में उसको मॉडिफाई करते करते कार्बन कंपाउंड्स रख दिया गया, क्योंकि अधिक सभी में कार्बन पाया जाता था। तो कार्बन के अलावा दूसरे एलिमेंट भी पाए जाते हैं, बट उसमें मेन कार्बन कंपाउंड वो मेन एलिमेंट कार्बन ही होता है। तो यदि फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड, पहले ये माना जाता था कि ये सिर्फ लिविंग थिंग से मिलते हैं, लेकिन बाद में क्या हुआ, फ्रेडरिक होलर जिन्होंने सबसे पहले सिंथेटिक कार्बन कंपाउंड बनाया, लेबोरेटरी में प्रिपेयर किया, आर्टिफिशियल कार्बन कंपाउंड बनाया गया फ्रेडरिक होलर के द्वारा, और वो कंपाउंड था यूरिया। तो यूरिया को 1828 में फ्रेडरिक होलर इनके द्वारा ये पहला कंपाउंड का फॉर्मेशन किया गया था। एक्चुअल वो बना तो दूसरा रहे थे, लेकिन एक्सीडेंटली यूरिया का फॉर्मेशन हो गया। अमोनियम साइनेट बना रहे थे, लेकिन अमोनियम साइनेट को जब उन्होंने रख दिया कुछ समय के लिए विदाउट डिस्टर्बेंस, तो देखा कि अब तो ये यूरिया मतलब जो यूरिन में पाया जाता है यूरिया, वैसी प्रॉपर्टीज वाला कंपाउंड है, इसलिए बाद में उसका नाम भी यूरिया कर दिया गया। तो इस तरह से ये वर्सेटाइल नेचर, फिर बाद में लगातार एक से एक रिसर्च होती गई और नए नए कार्बन कंपाउंड्स बनते गए। तो कंपाउंड्स हमेशा टेट्रा वैलेंसी याद रखना है, कार्बन हमेशा फोर वैलेंसी को फुलफिल करता है। जैसे यहाँ पर कार्बन के चारों ओर फोर बॉन्ड है, यहाँ पर भी 1 2 3 4, इस कार्बन में भी 1 2 3 4, यहाँ पर भी 1 2 3 4, फोर वैलेंसी हमेशा रखते हैं। अब जैसे हमने कोई रिंग फॉर्म में ले लिया, इस तरह से CH2, ऐसे भी इसको लिखा जा सकता है CH2 CH2, इस दो हाइड्रोजन के साथ है और दो कार्बन के साथ, तो 1 2 और 3 4। इसी तरह से हर एक कार्बन यहाँ पर 1 2 3, इन ये जैसे कंपाउंड है तीन कार्बन वाला है, तो इसको बोलेंगे साइक्लोप्रोपेन, ये साइक्लोप्रोपेन है। ऐसे डिफरेंट कंपाउंड्स रिंग फॉर्म में हो, चाहे लीनियर फॉर्म में हो, ब्रांच चेन हो, सभी तरह से यहाँ पर बन सकते हैं। नेक्स्ट है तो कार्बन, ये विल यू बी माय फ्रेंड, मीन्स क्या कार्बन हमारा जो है फ्रेंड है। देखा जाए कार्बन सीम्स टू बी वेरी फ्रेंडली, कार्बन एक काफ़ी जो है फ्रेंडली एलिमेंट के रूप में देखा जाता है। क्यों? क्योंकि कार्बन के कंपाउंड्स हमारे डेली लाइफ में काफ़ी ज़्यादा इनका रोल प्ले होता है, ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे आपकी बॉडी में जो विटामिन्स हैं, प्रोटीन्स हैं, एंजाइम्स हैं, हॉर्मोन्स हैं, चाहे प्लांट्स में देखिए क्लोरोफिल हो या कोई क्लोरोप्लास्ट हो, सभी के सभी कार्बन के ही बने हुए हैं। और हमारे जो ब्लड है उसमें भी पायरोल रिंग लगी हुई है, वो पायरोल रिंग कार्बन के बने हुए हैं। तो हर जगह पर ये कार्बन पाया जाता है, इसलिए फ्रेंडली है। और कार्बन के कंपाउंड्स, तो कार्बन जैसे किनके किनके साथ, जैसे हाइड्रोजन के साथ जनरली जब बनाते हैं तो वो हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, और तो इस तरह से बनाते हैं जैसे ये CH, H, 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 इस तरह से। तो ये हो गया जैसे मीथेन, वही यदि कार्बन, तो ये इस तरह के कंपाउंड जब कार्बन और हाइड्रोजन से बनाए जाते हैं दे आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन, ये हाइड्रोकार्बन होते हैं। इसी तरह से यदि ये क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन इनके साथ जुड़ते हैं तो ये कहलाते हैं हेलो कंपाउंड्स। हेलो कंपाउंड्स में जैसे देखें CH3Cl, तो इसका नाम हो जाएगा क्लोरोमीथेन, तो ये क्लोरोमीथेन बन गया। इसी तरह से यदि हम CH3CH2Br, तो ये हो जाएगा ब्रोमो
इथाइल, ये ब्रोमो इथेन हो गया, दो कार्बन का कंपाउंड है इसलिए ब्रोमो इथेन लिया। तो सिंगल कार्बन है इसके लिए मैथ, दो के लिए एथ, तीन के लिए प्रॉप, फोर के लिए ब्यूट, ऐसे जोड़ते जाते हैं और इसी तरह से इसमें एन इन ये भी लगाते हैं, ये आगे और वीडियो में देखेंगे। इसी तरह से यदि मान लीजिए कार्बन जो है ये ऑक्सीजन के साथ भी जुड़ करके अलग अलग तरह के कंपाउंड्स बनाते हैं, जब ये ऑक्सीजन के साथ जैसे एक बनाते हैं एल्कोहल, एल्कोहल का सिंबल होता है OH, OH के रूप में पाए जाते हैं। इसी तरह से एल्डिहाइड CHO और कीटोन और इसी तरह से ये कार्बोक्सिलिक एसिड COOH। तो यहाँ डिफरेंट तरह के ये कार्बन कंपाउंड्स बनने की वजह से ये हमारे डेली लाइफ में बहुत यूजफुल है, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर भी डिफरेंट तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पाए जाते हैं, तो इसलिए ये सभी कार्बन इज ए फ्रेंडली एलिमेंट, कार्बन एक फ्रेंडली एलिमेंट है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।